नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। वहीं छपरा की ट्रैफिक पुलिस का एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन को एक बार फिर से सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल पुलिस की रंगदारी का वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुलिस वाला एक ऑटो चालक के साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहा है। ऑटो चालक की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि वो गाड़ी नो एंट्री में घुसा दिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ कि कैसे पुलिस वाला ऑटो चालक से बदतमीजी कर रहा है। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता छपरा से मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके का वीडियो सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और पुलिस प्रशासन पर भी अब सवाल या निशान ये खड़े कर रहा है ये वीडियो। जिस पुलिस ने रंगदारी मांगी है ऑटो चालक से, क्या उस पर अब तक कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल ऋतिक, देखिए मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा ये शर्मनाक बात है क्योंकि एक वर्दी वाला पर आज फिर एक आरोप लग रहा है और रंगदारी की बात सामने आ रही है क्योंकि जो ऑटो चालक है सिर्फ उसकी इतनी ही गलती थी कि वो वन वे में गाड़ी घुसा दिया था जिसको लेके पुलिस वाले ने अभद्र तरीके से उसके साथ गाली गलौज और मारपीट किया। हालांकि जब ऑटो चालक ने इसका वीडियो बनाना चालू किया तो आप साफ तौर पर वीडियो में सुन सकते हैं कि उसके बाद भी उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए कहा और उसके साथ फाइन भी ना काटते हुए उससे पैसा लेकर गाड़ी को छोड़ दिया गया। हालांकि इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और लगातार जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, हालांकि जो उस पर पुलिस महकमे में हड़कंप एक तरीके से मचा हुआ है कि जो छपरा की ट्रैफिक पुलिस की अर्थव्यवस्था जब बिगड़ जाएगी क्योंकि छपरा में DIG मन्नू महाराज है और तब उनके नेतृत्व में यहाँ पे जो काम की जा रही है उसके बाद भी लगातार जो बॉडी वाले पर यहाँ पे दाग लग रहा है तो एक बड़ा आरोप है क्योंकि आखिर जब इस तरीके का जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें सुधार कैसे आ पाएगी। जी तो ट्रैफिक पुलिस पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है क्या फिलहाल? हालांकि इस पे अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं भी अभी छपरा ट्रैफिक प्रभारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि घटना की जांच की जाएगी। हालांकि अब तक उस पर उसकी पहचान हो गई है क्योंकि लगातार जो गाली दे रहे थे वो वर्दी में थे और उनकी जो ड्यूटी थी वो छपरा जंक्शन के पास इस घटना को इस तरह की वारदात वही सामने आई। लेकिन जिस तरीके से लगातार वर्दी वाले खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं वो रिक्शा वाला के साथ तो आप साफ तौर पर ये वीडियो देख सकते हैं और साफ तौर पे एक बड़ा सवाल भी है जिला प्रशासन के लिए क्योंकि लगातार इस तरीके का मामला सामने आता है। कभी ट्रक वाले से वसूली की जाती है तो कभी ऑटो वाले से वसूली की जाती है तो इस तरीके का लगातार ये वीडियो वायरल होते रहता है। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो छपरा की ट्रैफिक पुलिस का ये वीडियो सामने आ रहा है जो कि जिस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक ऑटो चालक से जिसने नो एंट्री में ऑटो लगा दिया तो इस वजह से ट्रैफिक पुलिस ने उससे रंगदारी की, उससे पैसे मांगे जो कि रंगदारी मांग रहा था और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने इस पर कुछ कहा नहीं है और इस पर कार्रवाई करने की बात सामने से कही जा रही है। ट्रेन में बस इतना ही, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।